मेरे लिए तो वो जीरो टॉलरेंस है। किसी भी जगह खड़े खड़े आदमी स्पिटिंग कर देता है, लोगों से इंटरेक्शन करने में, कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमारे दांत होते हैं वो पीले हो जाते हैं। 31st of May यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब भाई हमें ये तो पता है कि टोबैको कंज्यूम करने से कैंसर होता है, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना जिसकी वजह से आपको टोबैको को नो बोलना चाहिए। तो वो कारण कौन से हैं ये भी पता होना हमें ज़रूरी है। सो इसीलिए हमने सोचा कि हम स्ट्रीट्स पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पॉइंट्स क्या है टू से नो टू टोबैको। तो चलिए चलिए फटाफट सारे लोगों से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे आ रहा है तो आपका क्या रीज़न है कि भाई टोबैको को नो बोलना चाहिए, क्या आपका पॉइंट है? मीन्स फॉर मी तो लाइक मुझे तो उसकी स्मेल से ही आप बोलो तो मतलब मैं तो भाग ही जाती हूँ। अगर कोई इधर भी स्मोक कर रहा हो तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, मतलब मेरे लिए तो वो ज़ीरो टॉलरेंस है। तो टोबैको मतलब किसी को भी ये करना ही नहीं चाहिए, मतलब पर्सनली ऐसा कुछ सबको ही पता है, अवेयरनेस सबके पास है, सब लोग जानते हैं कि इससे क्या होता है। तम्बाकू को इसलिए नो बोलना चाहिए, तम्बाकू एक तो बैड हैबिट है और बैड हैबिट उसके साथ साथ ये बैड हैबिट है कि कहीं पे भी किसी भी जगह खड़े खड़े आदमी स्पिटिंग कर देता है, वो एटमोसफियर को मीन्स पॉल्यूटेड कर रहा है और गंदगी फैला रहा है पूरा। तो इसलिए जो है ईच प्लेस शुड बी क्लीन एंड नीट। मेरा पॉइंट यह है टबैको के लिए, फर्स्टली जो लोग टबैको यूज़ करते हैं उनके स्मेल आउट बहुत होती है टबैको से, और लोगों से इंटरेक्शन करने में, कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, स्पेशली मैं जैसे जिम वगैरह जाता हूँ, वर्कआउट वगैरह करता हूँ, तो वहाँ पे हमें ऐसे अल्कोहल्स, टबैको, स्मोकिंग ये सब अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे स्टेमिना पे इशू होता है, स्टैमिना संग इंटरनल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। तो मेरे ख्याल से टबैको और स्मोकिंग को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है, ये एक टाइम पे आपकी बॉडी के लिए और आपकी सेहत पे बहुत इफेक्ट करता है। तो नो टू टबैको। सो मैंने कभी टबैको कंज्यूम नहीं किया है, बट मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे घर पे मेरे पापा स्मोक करते हैं, इनमें मेरे फैमिली में मेरे फ्रेंड सर्कल भी स्मोक करते हैं, तो मेरे को स्मोक के धुएं से काफ़ी दिक्कत होती है, मेरे को कफिंग वगैरह आती है, चश्मे जलन वगैरह होती है। तो एक तो हेल्थ कंसर्न है भी ये चीज़ कि आपका हेल्थ ख़राब होता है, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, आप लोग आज के डेट में स्ट्रेस के चक्कर में स्मोक कर रहे होते हैं, आप 2 पैसे कमा रहे हो अपने फैमिली के लिए, आप ये नहीं सोच रहे हो कि वही 2 पैसे आपके फ्यूचर में जाके 4 पैसे के तौर पर आपके हेल्थ को रिकवर करने में लगेगा और पता नहीं आप रिकवर हो पाओगे कि नहीं। एंड आप स्मोक कर रहे हो सकता है सामने वाला स्मोक ना कर रहा हो लेकिन आपके स्मोक से सामने वाला परेशान हो रहा है, बिल्कुल आपकी हैबिट हो जाती है, आप बाहर स्मोक कर रहे होते हो, घर पे कोई प्रॉब्लम आएगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, आपके घर पे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हो सकते हैं, आप घर पे स्मोक करना शुरू कर दोगे तो बच्चे का भी तबीयत खराब होगा, है ना, इसलिए टोबैको को नो करना ही बेहतर है। तम्बाकू इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जिससे तो तुम्हारे दांत होते हैं वो पीले हो जाते हैं और गाल जो होते हैं वो छिल जाते हैं अंदर से, और उससे हेल्थ में भी प्रॉब्लम होती है। जब कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम प्रॉपरली बोल नहीं पाते, उसके सामने खुल के नहीं बोल सकते, हंस नहीं सकते, तो प्रॉब्लम इसलिए हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, टोबैको खाने से क्या हमारी हेल्थ को इशू होता है, दूसरी चीज़ पर्सनैलिटी में भी एक छपरी टाइप की मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि आप गुटखा खाएंगे कन्वर्सेशन में भी इशू आता है आपको, तो नॉट फॉर हेल्थ एंड एक इम्प्रेशन भी आपका ख़राब होता है, इसलिए मैं टोबैको तो नहीं बोलता। Like it will get habituated to one person, like we carry on to our each person. So I feel like smoking tobacco is not healthy for ourselves. तो देखा आपने, आपके पास कितने सारे पॉइंट्स आ गए टू से नो टू टोबैको। मुझे लगता है कि अगर आप सोच भी रहे होंगे ना टोबैको कंज्यूम करने के लिए या फिर आप करते होंगे टोबैको कंज्यूम, तो इन पॉइंट्स को सुनने के बाद तो आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि से नो टू टोबैको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, कोई नई वीडियो आए, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।